हेलो स्टूडेंट्स, मेरी अकाउंट्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं। इसे प्रीवियस क्लास में हमने देखा था गुडविल के मीनिंग, करेक्टर्सिस और गुडविल के टाइप्स देखे थे। 2 टाइप्स के थे, परचेज गुडविल या फिर सेल्फ जनरेट गुडविल का देखा था। और गुडविल के हमने नेचर को भी जाना था कि 3 टाइप्स के गुडविल के नेचर होते हैं। तो आइए आज की हम क्लास में गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में जानें, क्योंकि गुडविल को हम जब देखते हैं, जब कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है या डेथ ऑफ पार्टनर होती है या कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन यानी अकाउंटिंग में किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा वो हम जानेंगे। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं, गुडविल इज़ द एबिलिटी ऑफ द फर्म एंड बिजनेस टू अर्न एक्स्ट्रा या सुपर प्रॉफिट। या कहा गया है कि गुडविल वो एबिलिटी है किसी फर्म की या बिजनेस की, जिससे वो बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। यानी कि गुडविल हमारे मार्केट में रेपुटेशन या इमेज को बताता है। यहाँ कहा गया कि गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट को बताया गया है। अब हम यहाँ देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। सबसे फर्स्ट मेथड आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज हम बहुत ही छोटी क्लासेस में हम पढ़ करके आए हुए हैं। एवरेज यानी कि सम ऑफ नंबर में हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर या फिर जो भी संख्या दी गई होती है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम 2 टाइप्स के देखेंगे। सबसे फर्स्ट देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी भी यहाँ पे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे ये फॉर्मूले। अगर एक जगह हम एक नोटबुक में नोट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में जब हमें रिवीजन के लिए ये बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ इन्हीं के सभी के फॉर्मूले पुट कर लें, लिख लें, फिर मैं आपको धीरे समझा दूँगी कि ये फॉर्मूले किस तरीके से बने और ये कहाँ पे और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसको हमने 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सिंपल एवरेज और सेकंड है वेटेज एवरेज। सिंपल एवरेज का आपको फॉर्मूला बताया गया है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई करना आपको नंबर ऑफ ईयर में, और वेटेज एवरेज में आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर करना है। इसी तरीके से सेकेंड मैथड है सुपर प्रॉफिट मैथड, और थर्ड हमारा मेथड आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं अभी आपको केवल मेथड के नाम बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड आ जाता है हमारा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आगे हम देखेंगे फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एन्युटी मेथड। अभी किस तरीके से मेथड में फॉर्मूलाज पुट होंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला अगर मेरा मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज और सेकंड है वेटेज एवरेज। सबसे पहले मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको समझाती हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये फॉर्मूला समझाने से पहले मैं बता दूँ कि एवरेज मेथड क्यों और कब निकाला जाता है। सपोज़ आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं कि ये बिज़नेस है आपका, ये आज के डेट में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है, टुडे। अगर आज ही आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आज आपका प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वही आज आप बिज़नेस स्टार्ट न करके जो पहले से एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस है अगर वो आप परचेज़ कर लो तो आपको क्या होगा, जो प्रॉफिट पहले ये एग्जिस्टिंग बिज़नेस अर्न कर रहा था वो आपको आज मिलेगा। यानी कि इसके होने वाले फ्यूचर अब आपको मिलेंगे, इससे होने वाले जो भी फ्यूचर के जो प्रॉफिट है वो आपको अब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया कि आज खुद का नया बिज़नेस स्टार्ट न करके जो पहले से एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको हमने परचेज़ कर लिया। वहाँ अगर हम परचेज़ करेंगे तो जो भी बिजनेसमैन था वो हमें अगर अपना बिज़नेस देगा तो वो कुछ ना कुछ उसके एवज में अपना प्रॉफिट का शेयरिंग लेगा, क्योंकि उससे होने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट था वो हमने अब परचेज़ कर लिया है। तो यहाँ हम देखेंगे जो बिज़नेस हमने परचेज़ किया है उसके एवज में हम कई सालों तक उनको प्रॉफिट देंगे। आपके नाम का अगर हम आज
बिजनेस शुरू करने हैं उसको नए तरीके से हम खरीद करके नए तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको भी जिससे हमने ख़रीदा है उसको भी हम क्या करेंगे, कई सालों तक प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ मेरे समझाने का मतलब ये है कि एवरेज जब भी निकाला जाता है, जब एक ही साल नहीं कई सालों से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि हमें एवरेज किसका निकाला जाता है, कई संख्याओं का निकाला जाता है। कोई भी संख्या एक है, एक साल में आपने 10,000 कमाए तो इसका आप एवरेज नहीं निकाल सकते। वही मैं कही, सेकंड साल में आपने 20,000 कमाया, थर्ड ईयर में आपने 30,000 कमाया, अब आप एवरेज बताओ कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो। तो इस चीज़ का हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ बताने का मीन्स ये है कि एवरेज मेथड जब भी अप्लाई होगा, जब कोई बिजनेस आज ना शुरू हो के कई सालों से शुरू हुआ है। और वैसे भी हम अगर गुडविल की कैलकुलेशन करें तो गुडविल कब हमारी जनरेट होती है, चाहे सेल्स जनरेट चाहे परचेज गुडविल, जब हम कई सालों तक कोई भी काम कर लेते हैं तो हमारी मार्केट में एक इमेज हो जाती है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें जब सिंपल एवरेज मेथड में हमें जो फॉर्मूला पता है कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैसे होगा वही यहाँ मैं बता दूँ कि अगर मैं एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मैं अगर बिजनेस अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे कई सालों तक मेरे बिजनेस मैंने आपको दिया है तो मुझे आप कई सालों तक प्रॉफिट दोगे। तो हम कहते हैं कि हम आपको 3 सालों तक आपका प्रॉफिट में हिस्सा हम देंगे, उसके बाद में हमारी गुडविल जनरेट हो जाएगी। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब हमें क्या सीखना है, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमको सीखनी है, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में क्या क्या स्टेप हमें देखने पड़ते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें देखना पड़ेगा कि स्टेप फॉर सिंपल एवरेज मेथड में हमें देखना होगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट प्रॉफिट। यहाँ बताया गया है कि इस साल आपका प्रॉफिट है, यानी कि आज मैं ये मान के चलो 1 जुलाई 2020 को मैंने परचेज किया, उस दिन का प्रॉफिट यहाँ आपको बताया गया, हमने यहाँ प्रॉफिट इस साल का हमने ये कमाया। तो इस प्रॉफिट में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट भी होंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे, 2018 या 2019 के कुछ ऐसे खर्चे या कुछ ऐसे प्रॉफिट भी होंगे जो इसमें ऐड होना बाकी है या एक्स्ट्रा ऐड हुए हुए हैं। तो एक्चुअली में इस साल का कितना प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम ऐड क्या कर देंगे, नॉर्मल इनकम, यानी कि इस साल जो आपकी इनकम होनी थी, नॉर्मल इनकम वो होती है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है, यानी अभी जो ऐसी इनकम थी जो आपको अर्न कर लिए पर आपको अभी पैसे नहीं मिले तो है तो वो इसी साल की इनकम, तो वो आप क्या कर लोगे, इसमें ऐड कर दोगे। पर ऐसे नॉर्मली खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड थे पर अभी आपने उनका पेमेंट नहीं किया है तो यानी वो अभी हमारे प्रॉफिट में ऐड है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि हमने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से समझी हुई है। अब नॉर्मल लॉस जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि आपने कहीं सट्टे में पैसे लगा रखे थे वो सट्टा आप हार गए, या कोई गेम में आपने पैसे लगा रखे थे वो आप हार गए, या मैं ये कहूँ कि आपने कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर बिजनेस में कहीं फायर लग गई है तो हमें इंश्योरेंस वालों ने हमें क्लेम नहीं दिया तो वो ये क्या हो गया, आपका बिजनेस का लॉस नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, ये क्या है आपका अबनॉर्मल असामान्य लॉस है। तो वो हमने क्या कर दिया, हमारे प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए अगर माइनस कर दिया तो हम वापस उसे ऐड बैक कर देंगे। और कुछ ऐसे गेम, या ये मैं कहूँ का गेम मैं जीत गई वो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं था, ठीक है, या ये मैं कहूँ कि मेरे पास में कपड़े की मिल थी पर वहाँ मैंने एक जो मशीन लगी हुई थी वो मैंने बेच दी, उससे मुझे इनकम प्राप्त हुई है तो वो आपकी बिजनेस की इनकम है, नहीं आपका बिजनेस मशीनें बेचने का नहीं था, आपका बिजनेस था कपड़े बेचने का, कपड़े से जो भी इनकम हो रही है वो आपकी नॉर्मल इनकम कहलाएगी, ठीक है। बट आप कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वो आपकी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में से एक मशीन जो बहुत पुरानी हो गई है उसको आपने बेचा तो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा में अगर बिक गई है, जितनी आपकी उम्मीद थी 6,000 मिलने वाले थे आपको 7,000 मिल गए, तो वो जो 1,000 का जो गेन है ये आप अपनी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मानेंगे तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें कुछ स्टेप हमें करने पड़ते हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए हम आज एवरेज प्रॉफिट के सिंपल मेथड को हम इक्वेशन के द्वारा समझते हैं एग्जांपल से। तो यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है कि गुडविल ऑफ ए फर्म इज़
वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहाँ आपको कहा गया है कि लास्ट 5 ईयर के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पता है कि हमें एवरेज मेथड ही निकालना होगा, क्योंकि लास्ट 5 ईयर के हमें यहाँ पे दिए हुए हैं आपको प्रॉफिट, ठीक है। और ये कहा गया, यानी नंबर ऑफ जो ईयर्स वाली बात थी वो आपको कहा गया है कि 2 सालों तक हमें उस गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। पिछले 5 सालों के हमें प्रॉफिट से हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा कि आपकी आज की डेट का हमारा प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और वो कैलकुलेशन हमें 2 सालों तक करना होगा, नंबर ऑफ ईयर हमारे 2 ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला, जब भी क्वेश्चन करें न्यूमेरिकल, सबसे पहले आप फॉर्मूला ज़रूर पुट कर देंगे एग्जाम में भी, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट बटन नंबर ऑफ ईयर। एवरेज का चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ लें, चाहे 6th, 7th, 8th की मैथ भी देख लें, चाहे आप आगे भी कोई भी क्लासेस में पढ़ लें, पर हमेशा एवरेज का यही फॉर्मूला रहेगा। तो ये हमें याद रहता है कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है और नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये 15,000 2012 का, 2013 का 18,000, पर 2014 में अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट है, यानी कि 2014 में हमें प्रॉफिट न होकर हमें क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। तो जब हम लॉस होगा तो इसको हम माइनस ही करना होगा, सारे प्रॉफिट को ऐड करके, सारे प्लस वाली चीज़ें ऐड करके एक माइनस वाला हम माइनस ही करेंगे। 2015 में भी हमें प्रॉफिट हुआ था, 2016 में भी हमें प्रॉफिट हुआ था। तो पहले आप ये 15, 18, 10 और 14 को ऐड कर देंगे, उसमें से हम माइनस 7,000 करेंगे, तो हमारा कितना कैलकुलेट होगा टोटल प्रॉफिट, 50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आप ही सभी के साथ में कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें नंबर ऑफ ईयर यानी 2012 से 2016 तक कितने ईयर हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 10,000 रुपये, ठीक है। अब गुडविल का हमारा फॉर्मूला था, गुडविल का फॉर्मूला था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि हमें गुडविल की जो वैल्यू है वो कितने ईयर तक हमें कैलकुलेट करनी है, तो 2 ईयर तक हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो यानी कि हमारी जो गुडविल है वो वैल्यूएशन हो जाएगी 20,000 की। हमने जो भी अभी बिजनेस परचेज किया है उस दिन हम देखेंगे कि उसकी गुडविल कितनी हम वैल्यूएशन करके देंगे, कि उस जो भी पर्सन से हमने किया उसकी गुडविल का वैल्यूएशन हमने किया, कि आपकी गुडविल का वैल्यूएशन हम मानते हैं कि 20,000 रुपये की आपकी खुद की गुडविल है, यानी कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे थे उसमें से जो 20,000 रुपये थे वो आपकी गुडविल के कारण अर्न हो रहे थे। तो यहाँ 20,000 रुपये आपकी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल था किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, कि एवरेज प्रॉफिट का हमें फॉर्मूला पता था। एवरेज कैसे निकालते हैं, जो दिए गए प्रॉफिट है, ध्यान रखें। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर प्रॉफिट दिया गया है उसके बीच में अगर हमें लॉस है, तो ये चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम में हम ये लॉस को कंसिडर न करते हुए हम सभी चीज़ों को ऐड करना होता है तो हम ऐड कर देते हैं। तो अगर कभी भी माइनस की चीज़ है, कोई भी ईयर में अगर लॉस हुआ है, तो हम उसे पहले माइनस करके ही यहाँ पे आगे आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी हमने देखा था कि एवरेज प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन में हमने स्टेप देखे थे, तो ये स्टेप के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा आपका, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूएट एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। आपको लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट यहाँ दिए गए हैं और गुडविल की कैलकुलेशन आपको किसती में करनी है, 2 ईयर्स के लिए करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपके 2 ईयर होंगे। यहाँ पे ध्यान दें, एडजस्टमेंट हमें क्या करना है, यहाँ आपको प्रॉफिट दिया गया है 2014 का 40,000, पर इसमें साथ में ये कह दिया गया है कि इंक्लूडिंग एन अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन है यानी कि आपके प्रॉफिट के रिलेटेड गेन नहीं है, पर आपके 10,000 रुपये यहाँ पे इंक्लूड है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 2014 में हमने यहाँ पे 10,000 रुपये ऐड कर दिए थे जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट था, तो हम उसे यहाँ पे लेस कर देंगे। आगे कहा गया 2015 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कहा गया आफ्टर चार्जिंग, ये जो 30,000 रुपये है ये आफ्टर चार्जिंग है आपके कैसे, एन अब नॉर्मल लॉस
5,000 रुपये, ठीक है। यानी ये 5,000 रुपये के चार्जिंग करने के बाद में, तो ये लॉस को क्या करेंगे, हमारे हमारे बिजनेस का लॉस नहीं था, तो यानी हमने यहाँ क्या कर रखा है, प्रॉफिट को कम दिखा रखा है, तो ये हम 5,000 क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा है। 2016 में कहा गया है कि 33,000 का प्रॉफिट था, बट इसमें क्या था कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, तो हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, पर वो मेरे बिजनेस से तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मेरे कहीं इन्वेस्टमेंट का ये इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये 8,000 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होगी वो हम देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये जो 40,000 है इसमें से मैं 10,000 माइनस करूँगी, क्योंकि ये मेरा गेन नहीं है, तो हमें यहाँ क्या आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि समय प्रॉफिट ही बताया गया। 30,000 में मेरा लॉस माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, प्लस कर दूँगी 35,000। 33,000 है इसमें से मुझे ये 8,000 रुपये जो मेरे प्रॉफिट जोड़ रखे हैं, जो कि मेरे बिजनेस के नहीं है, तो मैं क्या कर दूँगी, माइनस। तो 33,000 में से अगर 8,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25,000, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, तो नंबर ऑफ़ ईयर में हमारा क्या आ जाएगा, 1, 2 और 3 आ जाएगा। इन सभी को सम करेंगे, तो हम यहाँ इन सभी को सम करेंगे तो हमारा आएगा 90,000 अपॉन में आ जाएगा 3, तो एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 30,000। अब बस केवल हमें गुडविल के फॉर्मूले में हमें अमाउंट को पुट करना है। एवरेज प्रॉफिट हमने कर लिया 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर ऑफ परचेज जो कि 2 बताया गया है, तो 2, तो आपकी गुडविल कितनी आ गई, 60,000 की आपकी गुडविल आ गई। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट का हमने जो फर्स्ट मेथड था कि जो कि सिंपल एवरेज मेथड था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड हमारा आ जाता है कि वेटेज एवरेज मेथड, वेटेज एवरेज मेथड वो देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेटेज एवरेज मेथड कब निकालना चाहिए और सिंपल एवरेज मेथड कब निकालना होता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है, बस लिख दिया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें से भी हमें समझ में आना चाहिए एवरेज में से भी सिंपल एवरेज निकालना या फिर वेटेज एवरेज। वेटेज एवरेज का मतलब है कि एक वेट होना, यानी कि भारीता रूप देना, वो कैसे देखते हैं। दिस मेथड इज प्रिफ्रेंस व्हेन द, कब ये मेथड आपको प्रिफ्रेंस देना है, जब व्हेन द प्रॉफिट ओवर द पास्ट ईयर हैव बीन कंटिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग। ध्यान दें, कई बार ये थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कि वेटेज एवरेज कब निकाला जाता है, तभी निकालना चाहिए जब प्रॉफिट ओवर द पास्ट ईयर, पास्ट ईयर यानी कि कई साल, जो पिछले कई सालों से या तो कंटिन्यूसली आपके राइजिंग हो रही, यानी प्रॉफिट में इंक्रीजिंग ही हो रहा है, या कई सालों से डिक्रीज, यानी कि 10,000 था, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इस तरीके से या तो राइजिंग हो रहा है, बीच में या लॉस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, या एक साल 10,000 हुई, दूसरी साल 5,000 ही प्रॉफिट हुई, तीसरे साल आपकी 15,000, इस तरीके से बीच में कहीं भी आपकी सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली रहना चाहिए। कम भी हो रहा है तो यानी कि पहले मेरा 20,000 था, लास्ट में फिर मेरा 10,000 ही हुआ, फिर मेरा इस तरीके से जो कंटिन्यूसली कम होना चाहिए, ठीक है। अंडर दिस मैथड ईच ईयर प्रॉफिट इज असाइन ए वेटेज लाइक 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले साल में 10,000 कमाए तो उसको मैंने फर्स्ट दे दिया, फिर मेरा बढ़ रहा है तो मैंने वैसे सबसे कम को मैंने फर्स्ट रैंक, दूसरे को थर्ड, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से दे दिया। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपको कैलकुलेशन करनी है गुडविल की फॉर वेटेज एवरेज मैथड। क्वेश्चन में कहा गया है आपको ईयर दे दिए 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ठीक है। 2012 में आपको 10,000 का प्रॉफिट, फिर 12, फिर 15, फिर 20 और 30। ध्यान दें, यहाँ हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है ना, कभी भी कम नहीं हुआ है, यहाँ कभी भी कम नहीं हुआ है। यूँ नहीं कि बीच में 13,000 हो गया, फिर यहाँ पे 16,000 हो गया, 16,000 यहाँ हो गया तो यहाँ पे 15,000, ऐसा नहीं होगा। पर मेरा अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिखाऊं, अभी का भी जो देखा था, यहाँ 40,000 हुआ, बीच में 33 हुआ, फिर वापस ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, पहले कम हुआ फिर वापस ज़्यादा, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपल एवरेज निकालना है, पर जब एक कंटिन्यूसली अगर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तब हमें क्या निकालना है, वेटेज एवरेज निकालना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम रैंक दे देंगे, क्योंकि तो जिसके सबसे कम है उसको हमने फर्स्ट भारीता दी, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा भार है तो हम सेकेंड, इससे ज़्यादा बड़ी अमाउंट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बस हमें अंतर केवल इतना ही करना होता है।
आगे आ जाएगा प्रोडक्ट में क्या करना होता है, हमें प्रॉफिट मल्टीप्लाई हमें वेट करना होता है। हमने बस प्रॉफिट को एक वेट यानी एक संख्या दे दी है, एक रैंक दे दी है 1 2 3 4 5, बाकी और हमने कुछ अदर कुछ काम नहीं किए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000। ठीक है, यहाँ 12 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24, यहाँ 35, 80,000, और यहाँ हमारा आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, यहाँ हमने ये कर लिया। अब हमारा गुडविल का जो मेथड है वो क्या है, जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, गुडविल का हो जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉरी ये एवरेज का हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेटेज। ये पहले एवरेज हमें इस तरीके से निकालना होगा। ध्यान दें कि जब मैं सिंपल एवरेज करती थी तो मैं क्या करना था, इन सभी का मैंने सम किया यहाँ पे और नंबर ऑफ ईयर मैंने यहाँ पे लिख देती थी, ये मेरा एवरेज आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस प्रॉफिट को जो रैंक दी है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। ये पूरा सम कितना आएगा, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अगर हम इन सभी को ऐड करें तो हमारा आ जाता है 3,09,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपॉन में हम नंबर ऑफ़ ईयर करते थे पर नंबर ऑफ़ ईयर न करके हमें क्या करना है, ये जो सारे वेटेज है हम इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम ऐड करेंगे तो 5, 4, 3 और 2, 1 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको हम अगर अब करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,600। ठीक है, अब हमें गुडविल का जो फॉर्मूला है वही हमें फॉर्मूला हमें कैलकुलेट कर अभी हमने किया है वही हो जाएगा। तो गुडविल हमारी हो जाएगी कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज हमारा वेटेज के अकॉर्डिंग कितना आया, 20,600 मल्टीप्लाई, हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, हमें यहाँ पे 2 ईयर कहा था। ठीक है, 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी गुडविल आ जाएगी। तो आई होप ये आपको बहुत ही सिंपल मेथड था तो समझ में आया होगा। अंतर केवल इतना है कि वेटेज में है तो यहाँ हम क्या होता है, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती, इसमें अगर ये सारा इंक्रीज होता जा रहा है या फिर सारा माइनस होता जा रहा है तो हमें यहाँ पे एक रैंक देनी होती है, मल्टीप्लाई किया इन सभी को ऐड करके, यहाँ नंबर ऑफ ईयर न ऐड करके इन सभी को वेटेज को ऐड करके हमें यहाँ पे इस तरीके से एवरेज निकालना होता है। और फिर गुडविल का वही है, यहाँ पे बस वेटेज एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट मेथड जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड को समझेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। थैंक यू।